जहां केंद्र और प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किए हुए है, वहीं सीएम सिटी करनाल में रहने वाली 10 वर्षीय तीर अंदाजी में गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को सरकार से और जिला प्रशासन से मदद की दरकार है। आज जहां केंद्र सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हुए नहीं थक रही, वहीं देश की कितनी ही बेटियां ऐसी हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं सीएम सिटी करनाल में रहने वाली एक बेटी से, जिसने केवल 10 साल की उम्र में तीरंदाजी जैसे खेल में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। परंतु इस नन्ही खिलाड़ी के पास अच्छी कला तो है, पर अपने सपनों को उड़ान देने के लिए ना तो खेल से जुड़ी किट है और ना ही पर्याप्त सुविधाएं हैं। वही रिधि का कहना है कि यहाँ वह सभी बच्चे अभ्यास करने जाते हैं, उस मैदान की हालत बहुत ही खस्ता है। मैदान में साफ सफाई के नाम पर चारों तरफ गड्ढे हैं और जिस कारण उन्हें काफ़ी परेशानी आती हैं। साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से भी तीरंदाजी के लिए कोई सुविधा नहीं दी जा रही। रिधि ने बताया कि तीरंदाजी के लिए कोई कोच भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर ये इतनी घास उगी हुई है और हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है। यहाँ पे हमें किट प्रोवाइडेड होनी चाहिए और इस ग्राउंड की हालात थोड़ी सी सुधरे। तो यहाँ पर कोचिंग कौन देता है? यहाँ पे कोचिंग मेरे पापा ही देते हैं। रिधि के पिता ने अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए पहले गुड़गांव में तीरंदाजी की कोचिंग ली और अब अपनी बेटी को करनाल में खुद कोचिंग दे रहे हैं। अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले पिता की मांग है कि उनकी बेटी व अन्य खिलाड़ियों को तीरंदाजी की किट की जरूरत है, जिसके लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई थी, परंतु कोई मदद नहीं की गई। जिला खेल अधिकारी आरके जांगरा ने बातचीत में बताया कि नन्ही खिलाड़ी रिधि को जिला प्रशासन सम्मानित करेगा और जल्द ही उस खेल मैदान की मरम्मत भी करवा दी जाएगी। आदेश कर दिया हमने, तीरंदाजी का ग्राउंड ठीक हो जाएगा और तीरंदाजी कोच के लिए हम डिमांड करेंगे डिपार्टमेंट से। एक क्रिकेट का कोच भी हमारे पास नहीं है और जो है कबड्डी का कोच हमारे पास नहीं है और बैडमिंटन का कोच हमारे पास नहीं है, तो इसको हम विभाग को जो है इसके बारे में पत्रव्यवहार भी करेंगे। अब देखना यह होगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार देश की इस नन्ही बेटी के लिए क्या करते हैं। प्रशासन और सरकार अपने किए वादों को निभा पाएगी या नहीं। करनाल से कमल मिड्ढा के साथ कौमिता मिन्हास, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।